प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर गांव में बिजली की सुविधा पहुंचाई जाएगी। यहीं हम सारा गांव के लोग पूर्वजों से बिजली के सुविधाओं से वंचित है। हम सारा गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक होते हुए भी जानकारी न रहने के अभाव के कारण गांव में बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रहा था। हमारे गांव में बहुत असुविधा है। हम लोग के यहाँ डिबरी लालटेन से हम लोग को बच्चा पढ़ नहीं सकता है। हम लोग बहुत दिक्कत से यहाँ समस्या को काट रहे हैं। लाइन वगैरह हम लोग को लाइन का बहुत जरूरी है। लेकिन फिर पढ़ा तुम कुछ इसे वही बेचारे इस पढ़ाई लाइटें बत्ती से। अच्छा तेल कितना मिलागा? 2.5 लीटर। महीना पूरा हो जाएगा? ना कहाँ पूरा होगा। बिजली अगर गांव में रहते तो का सुविधा मिलता? वहाँ बड़ी सुविधा मिलता है। खेत भी पटा था, बाल बच्चा भी पढ़ा था, पंखा भी चला था, लाइट भी जला था, तेल भी बचा था। बिजली लाने के लिए आप कहीं एप्लीकेशन लगाए हैं? हाँ, लगाए थे 2-4-5 बरस पहले लगाए थे। यहाँ से 10-20 लोग पैसा जमा किए थे, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं गांव को महिला और पुरुष को एकत्रित किया और बदलाव लाने के लिए प्रखंड बिजली अभियंता से समुदाय के साथ मिले। वहाँ पहले तो समस्या कौन सी हलवा? वही लाम ढिबरी बारा हलो अनहार ने रहा लिया। समस्या बहुत, बिजली के लिए बहुत समस्या था। हम लोग ढिबरी जला करके घर में सोते थे, लेकिन आज हम लोग को बिजली मतलब कि हो गया है। आपको गांव में बिजली कैसे आया? बिजली मतलब कि आप वीडियो कैमरा करके ले गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद में मतलब कि हम लोग जा करके दरख्वास्त दिए वीडियो के यहाँ, और उसके बाद में ब्लॉक में दरख्वास्त दिए, तब बिजली आ गया है। लाइन आ गया है, 12 हो लाइन, लेकिन बाजा उजा सुना हो, मोबाइल चार्ज होबा हो मोबाइल। अच्छा, मैं उतर गांव में लाइन कैसे हलवा? तो ही ना ले लिए फोटुआ करा के, तो ही ले गेलू हाँ। अच्छा, मैं लाइनिया लाबला कहाँ कहाँ गेलू हाँ? मखदुमपुर ब्लॉक ने। मेरे कैमरे के कारण और समुदाय के साथ यह बदलाव संभव हुआ और अमसारा गांव में बिजली कनेक्शन की सुविधा घर घर में पहुंचाई गई। मैं आशा, जिला जहानाबाद से, इंडिया अनहट के लिए।